हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, इंग्लिश ग्रामर से नाउन। तो पहले तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप हमारे वीडियोस को लास्ट तक देखें, और जो भी सब व्यूअर्स हमारे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नाउन। नाउन नाउन क्या है? तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। एनी पर्सन मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम, पशु का नाम, जगह का नाम, स्थान का नाम, इन सबको हम क्या बोलते हैं? नाउन। और हिंदी में उसे बोलते हैं संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ एनी पर्सन लाइक लॉयर, डॉक्टर, एनीथिंग लाइक बेंच, डेस्क, एनी एनिमल लाइक कैमल, एलिफेंट, एनी प्लेस लाइक मथुरा, लाइक पार्क। दीज ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। मतलब किसी भी जगह का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी पशु का नाम, मतलब इन सबको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। अब नाउन को हम कितने कैटेगरीज में, कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? तो सबसे पहले है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज ऑल्सो the name of any person, any place, anything, any animal is called common noun. Means जो noun की definition है वही same हमारी common noun की definition है। यानी कि किसी भी, first point, the name of any person, we write only person. Like lawyer, doctor, nurse, teacher, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? कॉमन नाउन के। Anything like pen, chalk, van, bus, ये सब भी हमारे किसके एग्जाम्पल है? कॉमन नाउन के। एनी एनिमल, नेम ऑफ एनी एनिमल, like crocodile, elephant, name of any place, park, shop, hospital, तो ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? कॉमन नाउन के। मीन्स किसी भी पर्सन का नेम। हमने बोला लॉयर,
हमने किसी एक स्पेसिफिक लॉयर के बारे में बात नहीं की, हमने लॉयर मतलब जितने लॉयर हैं हमने सबको बोला, मीन्स लॉयर इज अ कॉमन नाउन। डॉक्टर, किसी हमने एक पर्टिकुलर डॉक्टर की बात नहीं की, मतलब सारे डॉक्टर। तो ये लॉयर, डॉक्टर, नर्स, टीचर, मतलब ये एक कैटेगरी को डिफाइन करते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हैं, कॉमन नाउन। पेन, चॉक, लाइक एनीथिंग में है हमारा पेन, चॉक, वैन, बस, ये बोर्ड, ये मार्कर, मीन्स कोई भी चीज़, ये सब हमारे किस में आते हैं, कॉमन नाउन में। एनी एनिमल, नेम ऑफ एनी एनिमल, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, कैमल, जिसका जो भी हो, ये सारे हमारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स, पीपल, एंड द प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। मतलब प्रॉपर नाउन किसी एक व्यक्ति विशेष, मतलब किसी एक का नाम होता है, किसी एक जगह का नाम होता है, किसी एक व्यक्ति का नाम होता है, किसी एक वस्तु का नाम होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि नेम लाइक सांता क्लॉज, मोहन, राम, आकाश, मतलब ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर नाउन है। हमने किसकी बात की, हमने सांता क्लॉज की बात की, हमने मोहन की बात की। अगर ये होता बॉय तो इन विच कैटेगरी वी डिफाइन इट, बॉय इन प्रॉपर नाउन और इन कॉमन नाउन। बॉय, बॉय मीन्स ये कॉमन नाउन है, मतलब लड़के, लड़के की कैटेगरी में सारे लड़के आ गए, बॉयज। लेकिन जब हमने बात की सिर्फ मोहन की, पर्टिकुलर मोहन की, तो ये हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन। मोहन, राम, आकाश। एक और चीज, हमारे अपने नाम, हमारे दोस्तों के नाम, ये सब किस में आएंगे, प्रॉपर नाउन में आएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा द कंट्री एंड देयर पीपल। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर, जब हम कंट्री की बात करते हैं और वहां के लोगों की बात करते हैं, तो वो भी हमारा किस कैटेगरी में डिफाइन होता है, प्रॉपर नाउन में। फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज एंड देयर पीपल, जैसे कि अमेरिका, द पीपल ऑफ अमेरिका कॉल्ड अमेरिकन्स। इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया कॉल्ड इंडियंस। इटली, इटालियंस। तो अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं और वहां के लोगों की बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारा किस कैटेगरी में डिफाइन होता है, प्रॉपर नाउन में। अगला है द नेम ऑफ एनी टाउन, सिटीज,
बिल्डिंग्स एंड लैंडमार्क्स। नेम ऑफ एनी टाउन। सिटीज। बिल्डिंग्स एंड लैंडमार्क्स। किसी भी शहर का नाम, किसी भी टाउन का नाम, नगर का नाम, किसी भी बिल्डिंग का नाम, किसी भी लैंडमार्क का नाम, ये सारे हमारे किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन में। लाइक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, न्यू दिल्ली, टोक्यो सिटी, दीज ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। लोटस टेम्पल, द नेक्स्ट वन इज name of any month, name of any month and any day of the week is also a proper noun, मतलब किसी भी महीने का नाम। name of any month, any any month of the year and any day of the week। मतलब एक ईयर में जो हमारे 12 मंथ्स होते हैं, हम किसी भी पर्टिकुलर मंथ की बात करें लाइक जनवरी, सेप्टेम्बर, अगस्त, तो ये सारे हमारे क्या है? प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हमने बोला मंथ, वी से इफ ओनली मंथ, दैट्स अ कॉमन नाउन। बट इफ वी से दैट जनवरी, फेब्रुअरी, इट्स अ प्रॉपर नाउन। एनी डे ऑफ द वीक लाइक संडे, मंडे, ये सब क्या है? सब हमारे प्रॉपर नाउन। ये सारे हमारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ एनी माउंटेन, रिवर, लेक्स, किसी भी पहाड़ का नाम, किसी भी नदी का नाम, किसी एक पर्टिकुलर झील का नाम या किसी भी समुद्र का नाम, ये सब क्या है? ये सारे भी हमारे प्रॉपर नाउन में है। लाइक द हिमालयाज, द हिमालयाज, लेक मिशिगन, माउंट एवरेस्ट, रिवर गंगा, दीज ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन।
एम टी. अगर हम इसे ब्रीफली लिखते हैं तो ये है माउंट, माउंटेन. माउंटेन को हमने शॉर्ट में लिखा माउंट, और इस माउंट को हम शो करते हैं एम टी से. तो नेक्स्ट है नेम ऑफ एनी स्पेशल डेज. Any festivals? And any special holiday? These are all the example of proper noun. मतलब किसी भी special day का नाम, किसी भी festival का नाम, कोई special holiday है तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं. लाइक दीपावली, गांधी जयंती, चिल्ड्रंस डे, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर डे, कोई फेस्टिवल, कोई स्पेशल डे, कोई हॉलीडे, ये सारे हमारे क्या हैं? प्रॉपर नाउन है. तो आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला इसका टॉपिक. टॉपिक है सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन. मतलब कुछ नाउन सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, यानी कि एक वचन रूप में, और कुछ नाउन हमारे प्लूरल फॉर्म में होते हैं, यानी कि बहुवचन. तो पहले हम देखते हैं सिंगुलर नाउन. यानी कि एक वचन. जब हमें किसी भी नाउन को सिंगुलर नाउन की तरह शो करना होता है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? अ, और शिप, अ बास्केट, अ ड्रम, अ वैन. ये सारे हमारे किसके एग्जांपल हैं? सिंगुलर नाउन के. ये जो ये हमने अ यूज किया है, ये होते हैं हमारे आर्टिकल. हम सिंगुलर नाउन के पहले ए और एन का यूज करते हैं. आप सबने पहले ये पढ़ा होगा कि ए और एन का यूज हम किसके साथ करते हैं. आपको पता है वोवल्स, कितने वोवल्स होते हैं? देयर आर फाइव वोवल्स. विच वन? ए, ई, आई, ओ एंड यू. यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वोवल्स. तो हमारे टोटल कितने वोवल्स हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. तो जो भी वर्ड हमारे, जो भी नाउन हमारे, जो भी वर्ड्स इन वोवल्स से स्टार्ट होते हैं, उनके आगे हम एन का यूज करते हैं. बाकी जितने भी वर्ड्स हमारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं. लेकिन ये सारी कंडीशंस में अप्लाई नहीं होता है. जैसे कि हमने देखा एन एनवेलप, ये तो सही है, लेकिन क्या हम
यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वर्ड के साथ क्या यूज करेंगे? ए और ये एन, हम यूनिफॉर्म जब हम इसका प्रोनंसिएशन कर रहे हैं, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, तो यू तो इसके साथ हो जाएगा अ यूनिफॉर्म, अ यूनिवर्सिटी, लेकिन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट की स्पेलिंग है एच ओ एन ई एस टी, लेकिन क्योंकि यहां पे एच साइलेंट वर्ड है, हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं ऑनेस्ट, जहां पे एच साइलेंट है, इट डजंट मैटर कि ये एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, हम इसके आगे यूज करते हैं एन, एन ऑनेस्ट, एन आइसक्रीम, एन आउल, एन ऑस्ट्रिच, बिल्कुल इस ऑनेस्ट की तरह ही है हमारा एन, एन आर, क्योंकि यहां पे भी हमारा एच साइलेंट है। तो ये है ए और एन का यूज, कि हम किसी भी नाउन के पहले ए और एन का यूज किस तरह से करते हैं, और ए और एन का यूज सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ होगा। तो चलते हैं आगे, ये था हमारा सिंगुलर नाउन, अब है प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन मींस बहुवचन, मोस्टली हम एक वचन जो हमारा सिंगुलर नाउन है उसमें एस, लास्ट में एस का यूज करके हम उसका प्लूरल नाउन बनाते हैं, यानी कि उस एक वचन का बहुवचन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि है स्टार, मतलब तारा, स्टार्स, तारे, ब्रूम, दूल्हा, ब्रूम्स, कैमल, कैमल्स, स्पून, स्पून्स। तो ये है तरीका एक सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने का, मतलब हमने इस सिंगुलर नाउन में इस एस को ऐड कर दिया और ये हो गया हमारा प्लूरल नाउन, स्टार, स्टार्स, ब्रूम, ब्रूम्स, कैमल, कैमल्स, स्पून, स्पून्स। तो ये एक जनरली तरीका है कि किसी भी एक सिंगुलर नाउन से हम प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं, लेकिन जैसा हमारे पहले भी बहुत सारी कंडीशन अप्लाई होती है कि हर एक नाउन के साथ ऐसा नहीं होता है, हर एक वर्ड्स के साथ ऐसा नहीं होता है। तो हम आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी कंडीशन हम अप्लाई करते हैं सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के। बहुत सारे हमारे पास ऐसे वर्ड होते हैं जो जिनके लास्ट में हमारे कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स आते हैं, लाइक सी एच, एस एच, डबल एस, एस एक्स, तो उनका जब हमें प्लूरल नाउन बनाना होता है तो हम जनरली उसमें एस का यूज नहीं करते हैं, हम उनका प्लूरल नाउन बनाने के लिए उसमें ई एस को ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये देखिए इसमें जो
जो ये हमारा पहला वर्ड है ब्रांड. इसके लास्ट पे क्या आया है? सी एच. फॉक्स. इसमें क्या आया है हमारा? एक्स. बॉक्स. एक्स. डिश. एस एच. चर्च. सी एच. ड्रेस. डबल एस. तो वो सारे वर्ड्स जिनके लास्ट में सी एच, एक्स, एस एच, डबल एस या एस आता है, तो जब हम इनका प्लूरल नाउन बनाते हैं तो हम इनमें क्या ऐड कर देते हैं? ई एस. लाइक ब्रांचेस, फॉक्सेस, बॉक्सेस, डिशेस, चर्चेस, ड्रेसेस. तो ये आपको समझ में आया कि ब्रांच का प्लूरल कैसे होगा? ब्रांचेस, उसमें हम ई एस ऐड कर देते हैं. तो इस तरह से हम कुछ इस तरह के वर्ड्स का प्लूरल बनाते हैं. तो अब हमारा अच्छा एक इसमें पॉइंट है कि फिश. फिश. फिश में भी तो एस एच आया है. इसका फिशेस, सॉरी इसका प्लूरल होना चाहिए फिशेस, राइट? लेकिन इसका प्लूरल फिश भी होता है. फिश का प्लूरल फिश भी होता है. फिशेस. फिशेस मींस अ वैरायटी ऑफ फिशेस. मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ फिशेस इन द पैसिफिक ओशन. मतलब जो हमारा प्रशांत महासागर है उसमें बहुत तरह की मछलियां हैं. फिशेस डिफाइंस अ कैटेगरी ऑफ फिश. तो फिश का प्लूरल हम फिशेस भी लिख सकते हैं और फिश भी लिख सकते हैं. तो अब चलते हैं नेक्स्ट. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लाइक बटरफ्लाई. Fly, cherry, lady, puppy, like butterfly. मतलब वो वर्ड्स जिनके लास्ट में हमारा क्या आता है? वाई. बटरफ्लाई वे, फ्लाई, फ्लाई, चेरी, लेडी, पप्पी. मीन्स इन सब में हम क्या देख रहे हैं? एक चीज़ कॉमन है कि इन सब के लास्ट में क्या आया है? वाई आया है. तो जब इन वर्ड्स का हमें प्लूरल नाउन बनाना होता है तो हम इस वाई को चेंज कर देते हैं आई में एंड देन वी एड ई एस. मतलब जब हम बटरफ्लाई का प्लूरल बनाएंगे तो हम इस वाई की जगह आई लिखेंगे और उसमें हम क्या ऐड करेंगे? ई एस. तो वो हमारा हो जाएगा प्लूरल. लाइक बटर, वाई की जगह हमने लिख दिया आई, ई एस, बटरफ्लाइज. फ्लाई, flies, cherries, lady, ladies, puppy, puppies. That's the way to make plural form of these type of singular nouns. अभी एक और फैक्ट है. हमने जैसे अभी लास्ट में जो पढ़ा कि अगर हमारे सिंगुलर नाउन में लास्ट में वाई आता है तो हम उसका प्लूरल बनाते टाइम उसमें आई ई एस ऐड कर देते हैं इस वाई को हटा के. लेकिन
ये सिर्फ उस कंडीशन में होता है जब इस y के पहले का जो अल्फाबेट है वो कॉन्सोनेंट हो. इफ देयर इज अ वोवेल तो हमारा रूल चेंज हो जाता है. लाइक की मॉन्की वैली डोंकी इन सब में क्या कहूं मैंने कि ये जो हमारा लास्ट का वाई है इसके पहले का जो हमारा ये अल्फाबेट है वो क्या है वॉवल है. हमने मैंने बताया कि हमारे वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ एंड यू. तो ये जो हमारे वाई के जस्ट पहले वाला अल्फाबेट है अगर वो वॉवल होता है तो इस कंडीशन में जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो हम सिर्फ इसमें क्या ऐड करते हैं एस. यानी कि जब इस की का हम प्लूरल बनाएंगे तो वो होगा कीज मॉन्कीज वैलीज डोंकीज ये है इस y का रूल जो मैंने पहले आपको बताया था अभी जस्ट पहले कि अगर हमारा कोई सिंगुलर नाउन है और उसमें लास्ट में हमारा y आता है. देखिए इस बटरफ्लाई का मैंने जो बताया था वो है बटर फ्लाइज आई ई एस हमने ऐड किया इसका प्लूरल बनाने के लिए क्योंकि ये जो y है इसके पहले का जो ये अल्फाबेट है हमारा वो है कॉन्सोनेंट. तो अब आपको समझ में आया. अब अगला रूल अब नेक्स्ट हमारा है कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में एफ आता है लाइक लीव काफ शेल्फ एल्फ तो हम इस एफ ये जो हमारा एफ है इस एफ को हटा के इसकी जगह हम वी ऐड कर देते हैं और प्लस ई एस मतलब ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में एफ आता है उनका प्लूरल नाउन बनाते टाइम हम एफ की जगह वी ऐड कर देते हैं. लाइक लीव्स लीफ लीव्स काफ काफ्स शेल्फ शेल्फ्स Elf, elves. तो ये है हमारा दूसरा रूल कि अगर हमारे सिंगुलर नाउन के जो हमारा वर्ड है उसके लास्ट में अगर F आता है तो उसका प्लूरल नाउन बनाने के लिए हम क्या करते हैं. कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो जिनका एंड तो होता है F से पर हम उनका प्लूरल बनाने के लिए उसमें सिर्फ एस ऐड करते हैं. लाइक शेफ शेफ्स चीफ चीफ्स क्लिप क्लिप्स हैंकरचीफ हैंकरचीफ्स मीन्स ये जो रूल है कि वी प्लस ई एस ये सारे लास्ट अल्फाबेट एफ वाले वर्ड्स के लिए यूज नहीं होता है. मतलब ये हम अलग अलग वर्ड्स के लिए अलग अलग है.
तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनके साथ हम वी एस का भी ऐड कर सकते हैं और सिर्फ एस का भी ऐड कर सकते हैं, लाइक ड्वार्फ, हुफ, स्कार। मतलब कुछ हमारे ऐसे भी वर्ड्स होते हैं कि जो जिनका एंड होता है एफ से और उनका प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस को भी ऐड कर सकते हैं प्लस इस एफ की जगह वी को ऐड करके ई एस भी ऐड कर सकते हैं, लाइक ड्वार्फ। इसका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो ये ड्वार्फ भी हो सकता है या ड्वार्फ भी हो सकता है, हूफ हूफ्स भी हो सकता है, हूफ भी हो सकता है, स्कार्फ एंड स्कार्फ्स। मीन्स इन दोनों तरह से हम इनका प्लूरल बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट रूल इज कि सम वर्ड्स एंड्स विद एफ ई, लाइक नाइफ, लाइफ, वाइफ। मतलब वो वर्ड्स जो एफ ई से जिनका एंड होता है तो इनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस एफ की जगह हम वी का यूज करते हैं और ई के बाद एस को ऐड कर देते हैं, लाइक नाइफ। द प्लूरल फॉर्म इज नाइफ्स, लाइफ द प्लूरल इज लाइफ्स, wife plural is wives। मतलब हमने f को चेंज कर दिया v में और e के बाद, e हमारा as it is है, उसके बाद हमने ऐड कर दिया s। लेकिन जैसे वर्ड है हमारा जिराफ, जिराफ, तो ये भी तो स्टार्ट होता है, सॉरी इसका भी तो एंड हो रहा है एफ ई से, बट जब हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो ये होता है जिराफ्स, तो जिराफ्स। मतलब हम इसमें सिर्फ एस को ऐड कर लेते हैं, हम इसमें किसी को भी दूसरे अल्फाबेट में कन्वर्ट नहीं करते हैं, जिराफ जिराफ्स। अब हमारा देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। ऐसे होते हैं जो जिनका एंड होता है ओ से, लाइक राइनो, हिप्नो, हिप्पो, वीडियो, जू। तो इनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, ओनली एस, हम इसमें सिर्फ एस को ऐड करते हैं, लाइक राइनोस, हिप्पोस, वीडियोस। बट कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनका एंड तो होता है ओ से बट हम उसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस ना ऐड करके ई एस को ऐड करते हैं, लाइक पोटैटो, टोमेटो, हीरो, फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो इज अ टाइप ऑफ बर्ड। अब इनका प्लूरल बनाने के लिए हम ये जो
ओ है, इसकी जगह ये एस ना ऐड करके ई एस को ऐड करते हैं, राइट? पोटैटोज, टोमेटोज, हीरोज, फ्लैमिंगोज, तो ये है ओ से ही एंड होने वाले कुछ वर्ड्स जिनका हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्लूरल बनाते हैं। अब हम इसी में ही देखते हैं नेक्स्ट कुछ हमारे नाउन ऐसे भी होते हैं जो जिनका एंड होता है ओ से। मैंगो, मॉस्किटो, जीरो, बफेलो। जब हम इन वर्ड्स का प्लूरल बनाते हैं तो इस हम एस का भी यूज कर सकते हैं और हम ई एस का भी यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों तरीके से इसके प्लूरल वर्ड्स बन रहे हैं। जैसे कि मैंगो, वी कैन राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैंगो इज मैंगोस और मैंगोस, बोथ आर करेक्ट। हमने एस लगाया तो भी वो सही है, हमने ई एस लगाया तो भी वो सही है। मॉस्किटो, मॉस्किटोस, मॉस्किटोस, जीरो, इट्स जीरोस और जीरोस, बफेलो, बफेलोज और बफेलोज, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। हम इसमें या तो ई एस ऐड कर सकते हैं या फिर एस ऐड कर सकते हैं, ये दोनों ही सही है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो इस किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ना तो उनके एंड में एस आता है, ना ई एस आता है, ना आई ई एस आता है, ना वी ई एस आता है, मतलब उनका प्लूरल फॉर्म पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। जैसे कि माउस, माउस का प्लूरल फॉर्म हो जाता है हमारा माइस, फुट, फीट, टूथ, टीथ, चाइल्ड, चिल्ड्रन, मैन, मैन, ऑक्स, ऑक्सन, गूस, गीज, तो ये हमारे कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जिनका प्लूरल फॉर्म बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, लाइक वुमेन, वुमेन। तो ये हम देखते हैं कि ये कुछ बिल्कुल ही अलग तरीके के नाउन है जिसका जब हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो ना उसमें हम एस ऐड कर रहे हैं, ना ई एस ऐड कर रहे हैं, ना आई ई एस ऐड कर रहे हैं, ना ही वी ई एस ऐड कर रहे हैं, मतलब उनका प्लूरल नाउन बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो जैसे ये माइस, हमने माउस का प्लूरल फॉर्म लिखा माइस, जनरली माउस का मतलब होता है चूहा, बट हम अपने कंप्यूटर के लिए भी तो माउस का यूज करते हैं, तो उस माउस
जो चूहे हैं उनके लिए तो हम प्लूरल बनाएंगे तो माइस होगा, बट अगर हम कंप्यूटर के माउस की बात कर रहे हैं और हमें उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है तो इट कैन बी माउसेस और माइस, बोथ आर करेक्ट। या तो हम माउसेस भी उसका प्लूरल लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, और हम माइस भी बोल सकते हैं, दोनों कंडीशंस में वो सही है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। अब हम देखते हैं कि कुछ हमारे नाउन वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनका जब हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो वो एज इट इज होते हैं, मतलब उनके सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। लाइक शिप, शिप का प्लूरल फॉर्म शिप ही होता है। रेंडियर, इसका भी प्लूरल फॉर्म रेंडियर ही होता है। डियर, डियर। फिश, फिश, फिश। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में ये बताया था, लास्ट रूल में, कि फिश, फिश का प्लूरल फॉर्म फिश भी हो सकता है और फिशेस भी हो सकता है, बट ये जो फिशेस है वो हम स्पेशली यूज़ करते हैं इफ़ वी वॉन्ट टू डिफाइन अ वैरायटी ऑफ फिश। मतलब अगर हमें फिश की वैरायटीज बतानी है तो हम वहाँ यूज़ करते हैं फिशेस, बट अगर हमें जनरली सिर्फ प्लूरल फॉर्म यूज़ कर प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो फिश का फिश ही होता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। अब हम देखते हैं कि हमारे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, लाइक शॉर्ट्स, जीन्स, स्लीपर्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स। हमारे ऐसे बहुत सारे नाउन वर्ड हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जैसे कि शॉर्ट्स, जीन्स, स्लीपर्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स। तो अगर हमें इनका सिंगुलर फॉर्म बनाना है, मीन्स ये तो हमें प्लूरल फॉर्म में नहीं है पहले से ही, अगर हमें इनका सिंगुलर फॉर्म बनाना है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं अ पेयर ऑफ, लाइक अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, अ पेयर ऑफ प्लायर, नाउन्स इन अ सिंगुलर नाउन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक नाउन, जिसमें हमने जाना कॉमन नाउन, व्हाट्स अ कॉमन नाउन, व्हाट्स अ प्रॉपर नाउन, व्हाट्स अ सिंगुलर नाउन एंड व्हाट्स अ प्लूरल नाउन, एंड रूल्स दैट हाउ टू कन्वर्ट अ सिंगुलर नाउन इन अ प्लूरल नाउन। मतलब बहुत सारे रूल हैं हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और आगे का इसका जो भी है अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो आई विश कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।